मंसूरा में किसान बोर्ड पाकिस्तान की हलफबरदारी की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी अमीर अलअज़ीम और सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान चौधरी शौकत अली चद्दर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मरकजी सदर ने मियाँ रशीद बनहाला को उनकी सबका खिदमात के पेश नज़र वस्ती पंजाब का सदर मुकर्रर किया और उनसे हलफ लिया। इस मौका पर पंजाब के दीगर अज़ला के सदूर और किसान बोर्ड लाहौर डिवीज़न की दीगर क़यादत भी मौजूद थे। तकरीब में मौजूद तमाम शुरका ने मियाँ रशीद मनहाला की क्यादत पर मुकम्मल इत्माद का इजहार किया और उन्हें वस्ती पंजाब का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। सीनियर कायदीन ने कहा, मियाँ रशीद मनहाला ने किसान बोर्ड पाकिस्तान के लिए दिन रात अनथक मेहनत की। वो इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखते हैं और मुल्क कौम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मियाँ रशीद मनहाला ने कहा, मौजूदा हुकूमत होश के नाखन ले और किसानों की फलाह बहबूद के लिए अपना करदार अदा करे, ज़रई आलात, अद्वियात, खाद और बीजों के रेट में कमी लाए। तकरीब में मौजूद अफराद के लिए पुरतकल्लफ अशाया का अहतमाम और मुल्क कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। तकरीब में मौजूद किसान बोर्ड पाकिस्तान के जुम्मेदारान ने रायल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, सबसे अहमद किसान बोर्ड का जो है, मैं कुछ एक दो बातें सिर्फ, माशाल्लाह मेरे बुजुर्ग बड़े कायद बैठे हुए हैं, ये कि मैं फर्स्ट टाइम किसान बोर्ड से मुतासर हुआ तो उसमें मियाँ रशीद साहब की मेहनत और लगन और मोहब्बत थी, जिसकी बिना पे हम किसान बोर्ड में, मेरी पूरी टीम बॉर्डर, वाघा बॉर्डर की एरिए में तकरीबन 10-12 गाँव हैं, वो सब के सब हमने इसमें माशाल्लाह आए हैं और पूरी टीम के साथ। और दूसरी ये कि वो मुतासर होने की वजह क्या थी कि मियाँ साहब के बेहतरीन खूबसूरत इंसान कौन है? खूबसूरत इंसान वो होता है जिससे बात करना आसान हो, जो दुख को समझता हो, जो मरहम करना जानता हो, मरहम बनना जानता हो, जो किसी की खैर खाही करना जानता हो। तो किसान बोर्ड के अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें देखी हैं, तो मियाँ साहब से बात करना भी आसान, मियाँ साहब से मिलना भी आसान और दुख बयान करना भी आसान। और माशाल्लाह हमारे मोहतरम जो हैं, दुख को, किसानों के दुख को अपना दुख समझते हुए दिन रात 24 घंटे अवेलेबल होते हैं इसमें और वो खिदमत में लगे हुए हैं। और फिर मियाँ साहब की जितनी भी टीम है, मैं उन्हें भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इतनी मोहब्बत, यानी जैसे इश्क और माशूक का, आशिक और माशूक का जो रिश्ता होता है वो मियाँ साहब के साथ हमारा है। मियाँ साहब इंशाल्लाह जहाँ भी खड़े होंगे, जहाँ मियाँ साहब की पाँव की धूल उठेगी, इंशाल्लाह हमें वहाँ मियाँ साहब पाएंगे, चाहे वो वस्ती पंजाब हो, चाहे ये जिला लाहौर हो, चाहे पाकिस्तान का कोई भी कोना हो। तो इंशाल्लाह हम मियाँ साहब की आदत पर पूरा एतमाद करते हैं। और सदर मरकजी सदर का भी माशाल्लाह मुझे फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई, बहुत अच्छे लगे, अच्छे इंसान महसूस हुए। तो अल्लाह इनकी भी जिंदगी में बरकत दे, हम इंशाल्लाह साथ हैं और जहां हमारी जरूरत होगी इंशाल्लाह किसान बोर्ड की पूरी टीम आपके साथ बात पेश करता हूं, बल्कि उनके लिए इस्तकामत की दुआ भी करता हूं। अल्लाह पाक उनको इस्तकामत भी दे जिम्मेदारी निभाने की। और हमारे जो सदर है चौधरी शौकत अली चद्दर साहब, इसमें कोई शक नहीं रहा जा रहा उनकी तारीफ करते हुए। मैं भी काफ़ी छोटी उम्र से किसान बोर्ड का हिस्सा रहा हूँ किसी न किसी फॉर्म पे। तो मैंने चौधरी सरदार जफर साहब थे, उनके साथ भी काम करते रहे, इब्राहिम मुगल साहब के साथ भी, मेरे जहन में वो बुजुर्ग मैं देख के पहचान गया था उनको। तो ज़बरदस्त तरीके से जी किसान बोर्ड को इन्होंने इंट्रोड्यूस भी कराया और लोगों के मामला भी काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इसकी काफ़ी ज़रूरत थी। देखें, ये बात आपको बताने के लिए तो नहीं है, आप सारे समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन देखें अक्सरियत जरा हमारा जो तबका है वो किसान है पाकिस्तान में। 70% मैक्सिमम जो आबादी है मुल्क की वो किसानों पे मुहित है। तो दूसरी सारी लोगों ने यूनियंस बनाई हुई हैं, कोई प्रेम यूनियन बनी हुई है, कोई रेलवे की यूनियन, कोई छोटी से छोटी कोई फैक्ट्री फर्म है उसने भी एक यूनियन बनाई हुई है। तो ये सबसे हमारा जो बड़ा एक मतलब इदारा, सबसे ज़्यादा मतलब लोग थे जिसमें इन्वॉल्व किसान जो 70% हैं पाकिस्तान के। तो इसके लिए कोई भी ऐसी परफेक्ट और ताकतवर तंजीम नहीं थी इससे पहले। तो अभी भी मैं समझता हूँ सदर पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि अगर 70% का हिसाब लगाएं तो इसका मतलब है ये कोई 16-17 करोड़ आबादी जो है आपके ऊपर मुनसर है। आप उसके
लीडर है और उन सब ने आपसे मुस्तफीद होना है और उन्होंने आपकी तरफ देखना है कि हमें हक हमारा हुकूमत से कैसे दिलाते हैं। इसलिए मैं तो आप दोनों साथियों पे बल्कि सारी टीम पे आप काफी जिम्मेदारी, हम इंशाल्लाह जिस फॉर्म पे हैं जिला लाहौर की हद तक सरदार साहब के साथ इंशाल्लाह ताला शाना बशाना रहेंगे और इंशाल्लाह ताला ये शम्मा जो एक बॉर्डर से निकली थी लाहौर से, उसके बाद किसान बोर्ड लाहौर डिवीजन से, इंशाल्लाह ये सूबे को भी उसी तरह रोशन करेगी जिस तरह। शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब चौधरी शौकतरी चिजड़ साहब का, कोई शक नहीं है कि इन्होंने जरा एनर्जेटिक जरा इन्होंने इंशाल्लाह एक इंसान बैठा उन्हें किसान बोर्ड में वाकई बड़ा एक अरूज दिता है, अल्लाह पा के खुश रखे हमेशा। और फिर इन्हों नज़र भी माशाला एक बड़ी हैगी है जेडे ना वो शनासा नज़र हैगी और दूरस इन्हों की नज़र हैगी है कि जोड़े बंदे अच्छे अच्छे लभ के लिया रहे अपने टीम के भी इन्हों एक बड़ा वा कमाल होंगे किसी लीडर के कि अपनी टीम को किमें सैट करता है। और अलहमदुल्ला मियाँ रशीद अहमद साहब ने जनाब जिस तरह इन्होंने अब जिम्मेदारी सौंपी है तो इन शाला तला अल्लाह के फजल करम ना मैं बिल्कुल तुम्हें इंश्योर करता वा वैसीयत सदर किसान बोर्ड लाहौर के होंगे कि मियाँ रशीद अहमद साहब से बिल्कुल ए क्वालिटी मौजूद हैगी है कि जी जिम्मेदारी उन्होंने उत्ते पै जाती है क्योंकि मेरे शुरू से असी इकट्ठी टीम वर्क च रहे हैं जी जिम्मेदारी इन्होंने पै जी ने कमा हको उन्होंने अदा करने इन्हों बड़ा एक मलका है इन्हों और उस जिम्मेदारी बिल्कुल एन यकीन कर लो अज जिमें उन्होंने हलफ चुके है ना एक उन्होंने हलफ चुके ना ये अंदर उन्होंने अपने इनू उतारे इस हलफ न बिल्कुल मैनू क्योंकि पता मेरे साथी ने तो इनू इंशाल्लाह ताला तुसी वेखियो इहदी अदायगी भी ना डिफरेंट तुहानू नज़र आएगी वसी पंजाब दे विच ते अल्लाह दे फजल करम नाल उन्हों अदा करन दे विच भी ना एक तुहानू बिल्कुल तब्दीली नज़र आएगी ए मैनू भी पता हैगा और तुहानू इंशाल्लाह दा पता लग जाएगा आने वाले दिनों अगले महीनों के किवें करते रहे। अलहमदुल्ला जो अहे जिला लाहौर च सदों भी बहुत कम करते रहे ने फिर डिवीजन च आ गए माशाला डिवीजन च इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी अदा की अलहमदुल्ला सारी टीम वर्क और सारे इलाके जनाब इन्होंने जगा दिता जिला लाहौर न बल्कि ना पूरे पंजाब में होना तो इंशाल्लाह ताला मियां रशीद अहमद साहब बड़ी बड़ी मुबारकबाद के नाल सानू भी गए चौधरी शौकतरी चिजड़ साहब ने जनाब उन्होंने जनाब जिम्मेदारी दी है तो बहुत शुक्रिया और मेहरबानी। तो आखिरी एक सिर्फ गल करांगे छोटी जी कि बिल्कुल साथीओ यह हम साढ़े तो एक फर्ज है अजला दे उत्ते कि असी जनाब मियाँ रशीद अहमद साहब के दस्तों बाजू बनी है और उन्होंने जनाब बिल्कुल वो उन्होंने ना कही कि सू जनाब जवान वास्ते सू पिछे पिछे लगे फिरन इंशाल्लाह चला असी आप ही जाग जाइए और जेड़े पिछे हो किसान है ना जिदे वास्ते जदोजहद करनी है क्योंकि यह जरा ना क्योंकि साढ़े सरकारी कोई है नहीं ना ही सरकारी बंदे हैं ना कोई सरकारी जमामे कार साढ़ेगी असी किसानों वास्ते तुरे हैं बेलोस तुरे हैं सारे साथी बेलोस हो गए ही सारा मामला कर दे तुम पता है चिदड़ साहब तो लैके एक आम कार तिकर किसान बोर्ड के और जमात के बेलोस सारे साथी है एक जमात का और किसान बोर्ड का जोड़ा ना तुरा इम्तियाज है तो असी इंशाल्लाह ताला ना इस हक अदा कर दी उन्होंने सलाह वाले भी सारे तंजीम साजी के सिलसिले और किसानों के जनाब मामला तो हल करने वास्ते ताकि असी अपना जिंदगी का पूरा हक अदा करिए। इन अल्फाज में इजाजत देना शुक्रिया। आज ये तकरीब जो मुनक्कद हुई है मियाँ साहब को वस्ती पंजाब का सदर मुंतखब किया गया है, हम मियाँ साहब को मुबारकबाद देते हैं और अपने सदर शौकत अली चिद्दड़ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मियाँ रशीद का इंतखाब किया और हम उम्मीद करते हैं मियाँ साहब बेहतर से बेहतर काम करने की तौफीक करेंगे, अल्लाह ताला इन्हें हर मैदान में कामयाब करे, हम इनके हर तरह से साथ हैं इंशाल्लाह इनका पूरा पूरा साथ देंगे। इरफान भंडारी ज़िले सदर डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा, मैं दिल की अथाह गहराइयों से चौधरी शौकत अली चिद्दड़ साहब मरकज़ी सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान और जिन्होंने बहुत अच्छा इंतखाब किया है मियाँ रशीद मनाला साहब जो वस्ती पंजाब के सदर नामजद हुए हैं, हम दिल की अथाह गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और इंशाल्लाह ताला उनसे तवक्को करते हैं कि वो सब दोस्तों को साथ मिला के चलेंगे। बहुत शुक्रिया। राणा मोहम्मद तनवीर अख्तर तहसील सदर किसान बोर्ड दीपालपुर जी, हम मियाँ रशीद अहमद मनाला साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और हमें फ़ख्र है कि हमारे बेहतरीन साथी हैं, इंशाल्लाह ताला हम इनके शाना बशाना चलेंगे और अपनी तंजीम को आगे लेके बढ़ेंगे। बस चौधरी सुबह सादिक कंबो तहसील वाइस प्रेसिडेंट दीपालपुर, हम मियाँ
रशीद मनाला साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और तौक़ात उनसे अच्छी वाबस्ता है कि वो हमें साथ लेकर चलेंगे और इंशाल्लाह फ्यूचर में वो हमारे किसान बोर्ड के जो है ना वो शाना बशाना आगे लेकर चलेंगे। इसको की हलफ बर्दारी एक तरकीब मुनक्कद हुई, इसमें मियाँ रशीद अहमद मनाला साहब को मरकज़ी सदर वस्ती पंजाब का सदर मुंतखब होने पर हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी तरक्की में कामयाबी में मज़ीद तरक्की अता फरमाए और अहसन तरीके के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने की तौफीक। बिल्कुल इसी तरह है, हम चौधरी शौकत अली चदर साहब जो किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकज़ी सदर हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने लाहौर डिवीज़न के सदर मियां रशीद अहमद मनाला साहब को पर इत्माद करते हुए उनको वस्ती पंजाब का जो है वस्ती पंजाब का सदर मुंतखब किया है और इसमें जनाब तमाम जो टीम है मियां रशीद साहब की उसको क्रेडिट जाता है क्योंकि इस काम की बुनियाद पर जनाब चौधरी शौकत अली चदर साहब ने मियां रशीद साहब को प्रमोट करते हुए जनाब उनको वस्ती पंजाब का सदर मुंतखब किया है। तो हम मियां रशीद अहमद मनाला को खसूसी तौर पर हम जो है उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं, चौधरी शौकत अली को भी चदर साहब को भी मुबारकबाद पेश करते हैं, बल्कि जितने किसान बोर्ड के मेम्बरान हैं कारकुनान हैं सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। हम मियां रशीद साहब मनाला को मुबारकबाद पेश करते हैं, सदर पंजाब का सदर बनने पे हम मुबारकबाद पेश करते हैं और शौकत अली चादर को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। जनाब असी मियां रशीद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करने, अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत बड़ा अहुदा दिता है, असी साड़ी तरफों उन्होंने मुबारकबाद, मियां चादर साहब ने भी बहुत बहुत मुबारक होना सानू इस हालत मतलब उन्होंने मुंतखब किया पूरे पंजाब का, लाहौर चुना बड़े काम किए तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए तो उन्होंने पूरे पंजाब का अहुदा मिले, असं उन्होंने खुल के मुबारकबाद दें सारे किसान भाइयों भी सारे मुबारकबाद पेश करने कि अच्छा लीडर सानू मिल गया और पूरे किसानों का मतलब अच्छी ख्याल करेगा सब। मैं अपनी क्यादत मियाँ अब्दुल रशीद मनिहाला साहब को जो है ना वस्ती पंजाब का सदर बनने मुबारकबाद देता हूँ। हम अपने मरकजी सदर शौकत अली चदर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे कायद लाहौर के सदर मियाँ रशीद साहब को उनके काम की वजह से उनके ईमानदारी और सारे निज़ाम उनका देख कर उनको वस्ती पंजाब का सदर मुंतखब किया है, हम उनके फैसले पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं सदर किसान बोर्ड जिला लाहौर सरदार रिफान ला संधु फ्रॉम पढ़ाना अज की जी तकरीब हलफ बरदारी मियाँ साहब के वास्ते सजाई गई थी, ये असी जनाब चौधरी शौकत अली चिदड़ साहब सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जनाब लीना एक बहुत ही गोहरे नजाब लभ के लिया है इस टीम वास्ते और पंजाब वास्ते और इंशाल्लाह ताला पंजाब किसान बोर्ड दी सूरत हाल नूं बहुत तब्दील करनगे। मियाँ साहब सानूं पूरा पता है, बड़ी एनर्जी उन्हां दे विच हैगी है, बड़ा पैशन हैगा है, बड़ा जज्बा है और अल्लाह फजल करम करे एक बड़ा अच्छा वर्क लैके मियाँ साहब थ्रू आउट चलनगे। तो वंस अगेन मैं जनाब मियाँ रशीद अहमद साहब नूं मुबारकबाद पेश करदा वां और चौधरी शौकत अली चिदड़ साहब का जनाब शुक्रिया अदा करदा कि उन्होंने जनाब उन्होंने यह जिम्मेदारी अनायत की, बहुत शुक्रिया। मियाँ रशीद साहब जो किसान बोर्ड के नए वस्ती पंजाब के सदर बने हैं प्रेजेंट, उनके हवाले से बड़ा पुरउम्मीद हूँ और मुझे काफ़ी यकीन है इंशाल्लाह ताला ये पिसे हुए तबके को किसानों को इनकी मुश्किलात से निजात दिलाएंगे और हुकूमत वक्त से इनको इंसाफ दिलाएंगे और इनके मामलात और इनके चीज़ें जो हैं जो इनके उधर खाद के बीज के और दूसरी अजनास के मामलात हैं वो भी इंशाल्लाह ताला बहाल होंगे और इनकी कीमतों के ऊपर भी इंशाल्लाह वे काफ़ी निगाह रखते हैं। ये देखें जी, किसान बोर्ड लाहौर डिवीज़न में काम करते रहे तो सारे दोस्त इनसे आगाह हैं, मीडिया के हवाले से भी हम लोग इनको देखते रहे मियाँ रशीद मनाला साहब को, तो काफ़ी एक्टिव और ज़बरदस्त शख्स हैं। इंशाल्लाह ताला ये एक किसान बोर्ड में नई उम्मीद और किरण वस्ती पंजाब में इंशाल्लाह ताला मियाँ रशीद के हवाले से इंशाल्लाह ताला नई रोशनी की किरण साबित होंगे। तो मैं सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान का भी मशकूर हूँ जिन्होंने इस तरह इनको अनाउंस किया और एक वर्कर टाइप बंदा जो है उसको ऊपर वस्ती पंजाब में सदर बना दिया। देखें उनकी शख्सियत बिल्कुल एक सादा आदमी है,
और अल्लाह के लिए फी सबीला काम करने वाले इस तरह के लीडर अगर पाकिस्तान में आ जाएं तो इंशाल्लाह ताला मुल्क की हालात बदल सकते हैं। तो मेरी ये दुआएं उनके साथ हैं इंशाल्लाह ताला, और उनके साथ हमारी सारी जद्दोजहद और कोशिश जो हमारी सलाहियतें हैं वो भी इनके साथ हैं इंशाल्लाह ताला। देखेंगे आने वाला वक्त किसानों की बेहतरी के लिए वो बहुत ही मुफीद और सूदमंद साबित होंगे। गुजर सदर पाकपतन, सर पाकपतन, हम इस मौका पर मियां रशीद अहमद मनिहाला साहब से बहुत वक्त रखते हैं और उनकी मुबारकबाद पेश करते हैं और चंद्र साहब को भी मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इंतखाब किया। अल्लाह ताला इनको काम करने की बहुत बहुत ज़्यादा